हम लोग को कीज तो मिल गई है और घर देख लिया है, बहुत अच्छा है। आप लोगों को दिखाते हैं, अभी हम बाहर से दिखाते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं बाहर से। ये स्टेयर्स है, यहाँ से इधर से अंदर आएंगे, सामने नहीं बढ़ रहते हैं। पहले हम लोगों का फ्लैट नंबर है 59। ये एंट्री है। यहाँ से जैसे हम पहले गेट बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग गेट से एंटर होते हैं तो सामने बिल्कुल किचन है, इसका डोर ये है। और इसके बाद अंदर इसके जाते हैं तो ये फ्लोरिंग बिल्कुल नई कराई इन लोगों ने। और यहाँ पे क्या होता है कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव कंपलसरी है, सब में देते ही देते हैं। ये किचन है, अभी ऐसे थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं, बहुत लंबा नहीं करते। किचन से बाहर आएंगे, उसके राइट हैंड पे इधर किंग बेडरूम है। ये पूरा बेडरूम है, तब बड़ा, काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। इधर से ये विंडो है आगे, ये बाहर से ये दिखता है, काफ़ी अच्छा और पीसफुल। यहाँ पे कहीं पे भी लो तो सब पीसफुल ही होता है। सबसे बेस्ट पार्ट इसका है ये, हो तब बड़ा सा मिरर है यहाँ पे पूरा। और ये है अलमीरा दर से पूरी। काफ़ी इसमें भी स्पेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक स्पेस है। ये है, ये इसका पूरा अलमीरा पे पूरा मिरर है, पूरी वॉल पे ऊपर से नीचे लेके सबसे बेस्ट है। इस पर आप लोग को काफ़ी रील देखने को मिलने वाली है और वीडियोस में भी। और जैसे यहाँ से बाहर आएंगे बेडरूम से तो यहाँ पे बाथरूम है, इधर स्टोर रूम टाइप का एक है, बॉक्स रूम जिसमें कि अपना कोई भी वही एक्स्ट्रा सामान, मेरे बैग वैग्स होंगे सब रख सकते हैं। यहाँ पे हीटर सब होता ही है, यहाँ इतना ठंडा होता है। और ये है लिविंग रूम, ये लिविंग रूम है, इस पर भी काफ़ी स्पेस है। और सामने ये बहुत बड़ी सी विंडो है, बालकनी, मतलब बालकनी में कोई स्पेस नहीं है बस ऐसा सा बना दिया है, बस बहुत बड़ी और व्यू बहुत देख सकते हैं कितना ग्रीन ब्लू, ओहो बहुत क्लियर है सब कुछ यहाँ पे। ये है, और ये इतना स्पेस है यहाँ पे अच्छा खासा। बहुत अच्छा और क्यूट सा, कोजी कोजी है, काफ़ी हीटर सब जगह अलग अलग हैं। अभी आपको मैं जल्दी जल्दी में दिखा दिया है कि खाली ऐसा है, बहुत जल्दी ये हम पूरा इंटीरियर करके पूरा डेकोरेट करके तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे पूरा रूम हो क्या, सॉरी हाउस टूर। हम लोगों ने बेड आपको बताया था कि मंगाया था, वो डिलीवर हो चुका है, बाहर रखा हुआ है अभी, उसको पहले भी अंदर कर लेंगे। और हम लोगों का फ्लैट है सेकंड फ्लोर पे, 59 फ्लैट नंबर है। बहुत अच्छा है, क्यूट है। और यहाँ पे जो मेन गार्डन है, जो पार्किंग है, हमने बताया था आपको पार्किंग नीचे है और जो गार्डन का एरिया इन्होंने बनाया हुआ वो ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे। वो भी करके दिखाएंगे आप लोगों को। खैर चलिए भी बेड बेड अंदर कर लेते हैं, बहुत क्यूट सा घर है। ये बेड यहाँ पे सेट हो गया है हम लोगों का, बट ये गद्दा जो है वो अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा दबने वाला है, तो इसको हम लोग एक्सचेंज करेंगे। अभी के लिए ये सेट कर दिया है ऐसे ही, अभी थोड़ा सा जो सामान है ज़रूरत का वो लेने जा रहे हैं। हम बता रहे थे कि बेड देख लिया आप लोगों ने, हम लोगों ने सेट कर दिया है। अभी जब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा सामान लेने, जो कि ज़रूरी है हम लोगों को, थोड़ा बहुत सामान लेना था वो मार्केट से लेने जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो सामान पैक किया वो यहाँ पर लेकर आएंगे। तो अभी हम लोग टाउन जा रहे हैं थोड़ा सामान लेने, अच्छे से धूप बहुत ज़्यादा आ रही है और इतना सब यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन, और मतलब घर बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमने देखा तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है घर। और मतलब अभी देखा, देख भी लिया आप लोगों ने कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा है। उसको बहुत अच्छे से पूरा इंटीरियर करेंगे और बहुत अच्छे से, अभी बहुत टाइम हमें यहाँ पे रहना है, तो फिर ये भी नहीं कि बस ऐसे टेम्परेरी कर लिया, नहीं, तो हमें सोच समझ के कुछ चीज़ें लेनी होंगी जो कि एस्थेटिक सा लगे, क्यूट सा लगे घर। इसलिए बस अब हम रास्ते में टाउन जा रहे हैं, फिर दिखाते हैं कहाँ वहाँ पर क्या क्या ख़रीदना है, थोड़ा सामान लेना है तो थोड़ा सा वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। वी बॉट सम प्रोडक्ट्स यहाँ से, हमने यहाँ से डाइनिंग टेबल लिया है, अभी हम दिखाते हैं। हम यहाँ ब्रिटिश आर्ट आए थे तो यहाँ पे बहुत फर्नीचर होता है, हम दिखाते हैं। हमने ये डाइनिंग टेबल लिया है यहाँ से, काफ़ी अच्छी रेंज में प्राइस में मिल गया, 4 चेयर का है, राउंडेड है, तो बहुत क्यूट सा लग रहा था, तो एक ही लिया है, बाकी ये लोग आज ही डिलीवर कर देंगे। ये पूरी शॉप है यहाँ पर मिल रहा है। और एक ये चेयर है जिशान के लिए, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो ये चेयर है उनके लिए, हमने ऑर्डर करी है। और
एक ये वाला टेबल है, ये ज़ीशान के लिए। सो एक टेबल लिया है और एक ब्लैंकेट है। सो ये दो तीन चीज़ें हम लोग ने स्टफ़ लिए हैं यहाँ से। सो ये काफ़ी क्यूट हम लोगों का, जैसे कि बेड देखा आपने सिल्वर है तो उस पर ये डार्क ब्लू कलर बहुत प्यारा लगेगा, सो दैट्स वाई। सो हमने ये सारा स्टफ़ यहाँ से लिया है। अभी हम ड्राइंग रूम लिविंग रूम जो है वो भी कर नहीं रहे हैं क्योंकि अभी हमने सोफ़ा डिसाइड नहीं किया है, पहले सोफ़ा डिसाइड कर लेंगे। बट हमने थीम सोच लिया ब्लैक कलर का ही लेना है हमें, क्योंकि हमने डाइनिंग टेबल अपना ब्लैक ले लिया है। सो दैट्स इस वजह से। और यहाँ पे बहुत अच्छा सामान है, सब हमने ले लिया है। अभी बहुत ज़्यादा सामान डेकोरेशन का कुछ भी नहीं लिया है, बेसिक सी चीज़ें ले ली हैं। सो यहाँ से अभी हम लोग कहीं और भी जा रहे हैं, ये लोग डिलीवर करा देंगे, ले जाने की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे पेमेंट करके जाएंगे, ये घर पे डिलीवर कर देंगे। सो बस ये सारा सामान ले लिया है हमने। अब बस थोड़ी सी हमको आजदा जाना है जो कि हमें थोड़ा सामान लेना है, तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। एक ये कॉर्नर भी हमें काफ़ी अच्छा लगा था, ये वाला कॉर्नर। बट हमने ज़ीशान को बोला पहले सोफ़ा आ जाए, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं ये सारी चीज़ें थोड़ी सी, मतलब फिर उसके हिसाब से सोचेंगे सोफ़ा है उसके कलर के साथ कैसा रखना है क्या रखना है। सो इसलिए सो खैर अभी हमने सोचा आप लोग को दिखा दें कि क्या क्या ले लिया है हमने। अभी यहाँ से निकलेंगे तो फिर आप लोगों को फिर वहाँ से जो तो ग्रोसरी होती लेनी है वो दिखाते हैं। Poundland. क्या हुआ? बास्केट। सो वापस से हम लोगों ने काफ़ी वहाँ से सामान लिया, फिर घर गए पुराने वाले जिसमें रहते हैं, वहाँ पे सामान वामान रखा, खाना खाया, फिर तुरंत उसका फ़ोन आ गया, जो फर्नीचर हम लोग ने लिया है वो आ रहा है आधे घंटे में। तो फिर हम लोग भागे, एकदम चूर हो चुके हैं, थक के अभी यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो मैट पे लेट गए, कुछ सामान नहीं, बेड है वैसे वहाँ लेटे थे, लेकिन वहाँ पे वाईफाई ज़ीशान कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सब चीज़ की सेल्फ सर्विस होती है तो ज़ीशान उधर वाईफाई कनेक्ट कर रहे, तुम उनका क्या बोलें। तो फिर इधर आ गए हम। तो खैर फर्नीचर आने वाला है अभी, बस कुछ देर में आ ही रहा होगा। सो सामान तो आने लग गया है, बट ये प्रॉब्लम हो गई, टेबल जो है वो यहाँ से अंदर नहीं जा रही है और थोड़ा भी स्क्रैच आता है तो यहाँ पे ये लोग क्लेम कर लेते हैं। सो प्रॉब्लम है कि उससे बोला है वैसे हमने कि अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर है तो यहाँ पे स्क्रूज दिख रहे हैं हमें तो ये खोल सकते हैं तो इजी हो जाएगा। घर में आ गए, क्या हुआ भैया, क्या हुआ? हाँ उल्लू मिला बच्चा, क्या हुआ? आओ यहाँ आओ, इस पे आओ, आओ जल्दी आओ, अब कहीं नहीं जाना है, बस यहीं रहना है, आओ। हाँ आओ, तू 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 अले आओ जल्दी आओ। अच्छा लग रहा है अभी तो? मजदूर होकर सो नेक्स्ट लास्ट डे तो आप लोगों ने देखा हम शिफ्ट कर रहे थे, आज सुबह से 4 बजे से उठे हुए हैं। सिम्बू क्योंकि जब भी शिफ्ट होता है कहीं से इधर बैठा हुआ है तो कहीं से भी ये कहीं जाता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। कैट लोग अगर आप लोग जानते हैं तो हो जाती हैं लोग डिस्टर्ब एक दो दिन के लिए। सो सुबह 4 बजे से इसने आफत की हुई है बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल किसी कहीं बैठ नहीं रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा था। अभी तो थोड़ा आराम से इसको बर्ड्स दिख रही हैं बाहर, चिड़िया दिख रही हैं, सब दिख रहे हैं तो फिर खुश है अभी, थोड़ा सा सेट हो गया। बट इसने 4 बजे से उठा के रखा है, इसके आगे पीछे हम चल रहे हैं कि क्या करें। अभी हो गए 7:30, 8 बज गए हैं, 8:15, तो अब हमने कॉफ़ी बनाई है तो बैठे हुए थे। हमने सब लोग को बता दें सारा सामान कल आ गया था यहाँ पे, क्योंकि फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया हम लोगों को आने में। तो यहाँ आए हमने बोला हमें फर्नीचर लेने जाना है, यहाँ पे जब आए थे तो उन्होंने बोला हाफ एन आवर में आ रहे हैं, बट वो लोग आए नहीं, 2-2.5 घंटे हो गए उसके बाद आए। और ज़ीशान हम यहाँ बैठे थे, वहाँ पे किचन की पैकिंग रह गई थी, फिर ज़ीशान वहाँ पे चले गए उधर घर में,
कि चलो हम पैकिंग करके ले आएंगे, तब तक जैसे जीशान निकले 10-20 मिनट बाद वो लोग आ गए। तो जैसे वो लोग आए फिर यहाँ पे हमने फर्नीचर सारा रखवाया, सब आ गया है पीछे रखा है, और आज सारा सामान सब हम लोग प्रॉपर यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, सब चीज़ हो गई है, आ गया है। आज सब बस सिम्पू एडजस्ट हो जाए तो थोड़ा सा रिलीफ हो जाए, ये परेशान रहता है तो बड़ी टेंशन हो जाती है। जीशान तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं, इससे ज़्यादा जीशान पैनिक करने लगते हैं। सो खैर यही सब था पैकिंग का, और किचन हमने सेट कर लिया है, बाकी और कपड़े वपड़े इधर बैग रखे हुए हैं, ये सारे बैग रखे हुए हैं इधर, तो ये सब सेट करने हैं हमको। सो बस यही है, होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी हेक्टिक था और बहुत हम थक गए थे आज भी, हम रात में सोते सोते, एक तो बेड चेंज था मेरा तो नींद नहीं आ रही थी, इसके बाद जब सोए तो सिम्बू ने 4 बजे से वाफत की भी, हम 4 बजे से उठे हुए, जीशान भी तभी से उठे थे, बट अभी सो गए, एकदम अभी सो गए, क्योंकि उनको दिन में ऑफिस का काम भी करना है। सो इसलिए सो गाइज होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा क्यूट सा व्लॉग है, अच्छा है, काफ़ी हेक्टिक था, बट होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।